इन्वेस्टमेंट करते वक्त एक चीज का ध्यान जो हमेशा रखना चाहिए वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट में रिस्क जरूर होता है। तो हमेशा ये चीज जरूर देखनी चाहिए कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं और जो रिस्क हम ले रहे हैं उसके हिसाब से हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं कि नहीं। म्यूचुअल फंड्स की एक कैटेगरी है स्मॉल कैप फंड्स की, जिसमें रिस्क तो काफी हाई रहता है, लेकिन इस कैटेगरी ने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट करके दिए हैं। डायरेक्ट स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स काफी रिस्की हो सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने से एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है जिससे रिस्क काफी कम हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको कोटक म्यूचुअल फंड हाउस के स्मॉल कैप फंड के बारे में बताएंगे, कोटक स्मॉल कैप फंड। आज हम इस फंड के फीचर्स को देखेंगे, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देखेंगे, पास रिटर्न्स पर भी नजर डालेंगे और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। अगर आपने ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी स्क्रॉल डाउन करके सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक कर दीजिए फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑन मेनी मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। आप अब अपने म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस हमारे ऐप ZFunds के थ्रू भी कर सकते हैं। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं ZFunds। जैसा मैंने बताया आज हम बात करेंगे कोटक स्मॉल कैप फंड के बारे में। ये फंड इक्विटीज की स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। फंड के बारे में स्पेसिफिकली बात करने से पहले चलिए एक बार फंड की कैटेगरी को समझ लेते हैं। स्मॉल कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि अपने इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप सिक्योरिटीज में लगाते हैं। स्मॉल कैप सिक्योरिटीज या इक्विटीज वो कंपनीज के शेयर्स होते हैं जो कि 251st और उसके नीचे रैंकिंग करते हो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये कंपनी जनरली छोटी और नई होती हैं, इसके कारण इनमें रिस्क काफी हाई होता है, पर इनमें ग्रोथ पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा होता है। इफ दीज कंपनीज परफॉर्म वेल दे कैन गिव आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स। क्योंकि कोटक स्मॉल कैप फंड अपने इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनीज में करेगा तो चलिए स्मॉल कैप कंपनीज के कुछ फीचर्स को देखते हैं। फंड मैनेजर के पास एम्पल चॉइस है क्योंकि मार्केट में स्मॉल कैप कंपनीज की गिनती सबसे ज्यादा है, तो इससे फंड को वैरायटी ऑफ स्टॉक्स मिल जाता है अलग अलग सेक्टर्स में टू सेलेक्ट अ पोर्टफोलियो फ्रॉम। स्मॉल कैप कंपनीज में अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल होती है क्योंकि ज्यादातर स्मॉल कैप स्टॉक्स अंडर ओन्ड और अंडर रिसर्च होते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स एंटरप्रेन्योरियल होते हैं, मतलब कि उनकी ग्रोथ उनके टैलेंट के हिसाब से होती है। स्मॉल कैप स्टॉक्स पर मैक्रो फैक्टर्स से ज्यादा इम्पैक्ट कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स का होता है। क्योंकि ये एक स्मॉल कैप इक्विटी फंड है तो मेजॉरिटी ऑफ द एसेट्स इक्विटीज में ही इन्वेस्टेड है। कोटक स्मॉल कैप फंड के 95.2% एसेट्स इक्विटीज में इन्वेस्टेड है और बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टेड है। चलिए फंड के सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक एलोकेशन पर एक नजर डालते हैं। फंड के एसेट्स टोटल 69 स्टॉक्स में एलोकेटेड है। सबसे ज्यादा एलोकेशन सेंचुरी प्लाईबोर्ड में है और 5.69%, उसके बाद कार्बोरेंडम यूनिवर्सल में 4.25% और शीला फोन्स में 3.88% है। अगर टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग्स की बात करें तो ये 35.45% की है। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो कोटक स्मॉल कैप फंड के एसेट्स 13 सेक्टर्स में एलोकेटेड हैं और सबसे ज़्यादा एलोकेशन कंज्यूमर ड्यूरेबल में है ऑफ 15.97%। अगर टॉप 3 सेक्टर्स यानी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, केमिकल्स और मेटल्स की वेटेज की बात करें तो टोटल 42.35% इन्वेस्टेड है इनमें। कोटक स्मॉल कैप फंड की वैल्यूएशन फेयर लग रही हैं। इसका प्राइस टू बुक रेशियो 5.06 का है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 34.71 का। चलिए फंड के फीचर्स पर जाने से पहले एक बार पास रिटर्न्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। कोटक स्मॉल कैप फंड ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं और इसने हर टाइम फ्रेम में बेंचमार्क को बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म भी किया। फंड ने एक साल में 97.23% के रिटर्न्स दिए हैं और 5 और 10 साल में 23.97% और 22.70% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। फंड का इंसेप्शन फरवरी 2005 में हुआ था और तब से फंड ने 18.54% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। ये तो थे कोटक स्मॉल कैप फंड के पास रिटर्न्स। चलिए अब इसके फीचर्स पर एक नजर डाल लेते हैं। कोटक स्मॉल कैप फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल और ग्रोथ ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं। फंड का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 31st October 2021 6,180 करोड़ रुपए का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.96% का। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए की होनी चाहिए। इन केस यू प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू द SIP मेथड तो आप 1,000 रुपए की SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड में इन्वेस्टमेंट्स और दूसरे ओपन एंडेड स्कीम में इन्वेस्टमेंट्स आप हमारे ऐप ZFunds के थ्रू भी कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। कोटक स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर मिस्टर पंकज टिब्रेवाल हैं। मोस्ट इक्विटी फंड्स की तरह इस फंड पर भी रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट लोड्स हैं। अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज के एक साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो पहले 10% यूनिट्स पर तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, 10% के ऊपर बेचे हुए यूनिट्स पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप यूनिट्स को परचेज के एक साल के बाद बेचते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड लागू नहीं होगा। फाइनली बात करते हैं इस फंड पर जो गेन्स होंगे उन पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स की। क्योंकि ये फंड अपने पैसे प्रेडोमिनेंटली इंडियन इक्विटीज़ में ही लगाएगा तो इस पर जो टैक्सेस लगेंगे वो इक्विटीज़ की तरह ही लगेंगे। यानी अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज के एक साल के अंदर अंदर बेचते हैं
तो जो भी गेन्स होंगे उन पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, दिस एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप यूनिट्स को एक साल के बाद बेचेंगे तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, दिस एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रहे, ये 10% भी तभी लगता है अगर आपके टोटल गेन्स इन वन फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 1 लाख रुपीज। चलिए अब आते हैं इस वीडियो के आखिरी और सबसे जरूरी पार्ट पर, इस फंड की सूटेबिलिटी। क्योंकि ये फंड अपने पैसे इक्विटीज में लगाता है तो रिस्क तो हाई है, ऊपर से ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं, यानी बहुत ही छोटी कंपनीज हैं और इनमें रिस्क काफ़ी हाई होता है और स्टेबिलिटी काफ़ी लो, तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि ऐसी ही कंपनी सबसे ज़्यादा ग्रोथ दे सकती हैं, तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए सही है जिनका ऑलरेडी एक लार्ज कैप का पोर्टफोलियो या फिर एक लार्ज और मिड कैप का पोर्टफोलियो बना हुआ हो और रिटर्न्स को बूस्ट करने का सोच रहे हैं। ओवरऑल पोर्टफोलियो में रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा लेकिन रिटर्न पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा के ये जानना चाहते हो कि ये फंड आपके पोर्टफोलियो में फिट बैठता है या नहीं, अभी हमें व्हाट्सएप कीजिए 7217746224 एंड आर एक्सपर्ट्स विल श्योरली हेल्प यू। अगर आपने अभी तक अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए और वेट मत कीजिए, अभी हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए एंड स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स। म्यूचुअल फंड्स इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ। हमारे ऐप पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट लिए आपको डेली SIP का भी ऑप्शन मिलता है कई फंड्स में, यानी आप रोज के रोज एक छोटी सी रकम जमा करके अपने फाइनेंशियल गोल्स जल्दी हासिल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अलावा अब आप गोल्ड में भी हमारे ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिजिटली घर पर बैठे बैठे अपने स्मार्टफोन से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 रुपए के साथ। अदर देन दिस, हमने एक और प्रोडक्ट बहुत रिसेंटली लॉन्च किया है, डेली इंटरेस्ट अकाउंट का। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है जो ऑलमोस्ट एक सेविंग्स बैंक की तरह ही काम करता है और इमरजेंसी फंड्स को रखने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। यह डेली इंटरेस्ट अकाउंट, यहाँ आपको सेविंग्स बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है और वो भी रोज के रोज क्रेडिट होता है। साथ ही साथ डेबिट कार्ड और इमरजेंसी फंड विड्रॉल के भी ऑप्शंस मिलते हैं आपको। हमने इस प्रोडक्ट पर एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसको आप ऊपर दिए आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपके इस वीडियो को लेकर या किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट zfund.in पर लिखें। आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग zfunds।